गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एज यूट्यूब पर। जैसा कि आपको पता है कि हम साइंस के एक एक टॉपिक करते जा रहे हैं, उसी कड़ी में आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, एसिड बेस एंड साल्ट्स। कौन सा टॉपिक है? एसिड बेस एंड साल्ट्स। एसिड बेस और साल्ट, ये तीनों ही चीज़ें क्या है बेटा? केमिकल सब्सटेंस है। क्या सब्सटेंस है? केमिकल सब्सटेंस है। अब आप लोग अपनी डेली लाइफ में क्या करते हो कि जैसे आपको देखना हो कि कौन सा पदार्थ खट्टा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा मीठा है, तो आप ये सब कुछ टेस्ट करके, मतलब चेक करके, फिर आप बताते हो कि ये जो सब्सटेंस है वो खट्टा है, वो मीठा है, या फिर ये कड़वा है। लेकिन अगर वो सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस हो तो क्या हम ऐसे चेक करके बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस तो कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो हम उन्हें चेक करके नहीं बता सकते। हम उन्हें कैसे बताएंगे? हम उनका टेस्ट करके बताएंगे कि हम एक केमिकल टेस्ट करेंगे, कोई इंडिकेटर उसके अंदर डालेंगे, फिर हम वो बता पाएंगे कि ये सब्सटेंस कैसा है, एसिड है या बेस है या फिर साल्ट है, किस तरह का सब्सटेंस है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक, एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे पहले बच्चों, एसिड, हम पिछली क्लासेज में पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड होता है टेस्ट में श्योर। श्योर का मतलब क्या हुआ? एसिड खट्टा होता है टेस्ट में। टेस्ट में खट्टा होता है और क्या करता है कि जैसे भी इसके अंदर पीएच पेपर डिप किया जाए तो ये क्या कर देता है? चेंज करता है कलर को, ब्लू कलर के लिटमस को किस में? रेड कलर के लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। ठीक है, चेंज करता है कलर। कौन सा पीएच का कलर? पीएच ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड कलर में। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। और ये टेस्ट में कैसे होते हैं? श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। इसके बाद बात आती है बेस। बेस किसको कहते हैं? बेस हम ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो क्या करते हैं? चेंज करते हैं कलर को, किसका? रेड लिटमस पेपर का कलर किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? बेस कहते हैं। बेस क्या करेंगे? रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसमें ब्लू डाला जाए तो नो चेंज होगा। अगर कोई मैंने बेस ले लिया, बेस का क्या लिया है? एक्वा सॉल्यूशन बेस लिया है, उसका क्या लिया है? एक्वा सॉल्यूशन लिया है और उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ? ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाल रही हूँ, तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं क्या कर रही हूँ? बेस ले रही हूँ और कौन सा लिटमस पेपर डालूँ? रेड कलर का लिटमस पेपर डालूँ तो ही कन्वर्ट किसमें होगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा। क्या बात कही मैंने कि अगर मैं क्या करूँ? बेस लूँ और बेस के अंदर क्या करूँ? बेस का एक्वस सॉल्यूशन क्या लूँ? बेस का भी क्या लूँ? एक्वस सॉल्यूशन है, या फिर क्या लूँ? एसिड लूँ और एसिड का भी मैं क्या लूँ? एक्वस सॉल्यूशन। अब पहली बात तो ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है बच्चों इनका वाटर सॉल्यूशन। इनका क्या है? वाटर सॉल्यूशन। जैसे पहले कहा एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि एसिड को मैंने क्या किया है? डिसॉल्व किया है किसके अंदर? एसिड को डिसॉल्व किया है मैंने वाटर के अंदर। अब एसिड को डिसॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम पहले वाटर ले लेते हैं उस बीकर के अंदर, फिर ड्रॉप करके एसिड डालते हैं। ड्रॉप करके क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे। बेस हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हमने बीकर में पहले एसिड ले लिया फिर उसके अंदर मैं क्या डाल दूँ? वाटर डाल दूँ। तो ये क्या है? गलत बात है, या कह सकते हो क्यों? रीजन भी बताती हूँ। मतलब मैं कह रही हूँ कि ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हमने बीकर में एसिड लिया और उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं। सही तरीका क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन बनाने का? कि हमने बीकर में क्या लिया है? एक्वा लिया है, वाटर लिया है। क्या लिया है? वाटर लिया है। अब उसके अंदर क्या डाल रही हूँ मैं? मिक्स कर रही हूँ एसिड को, मिक्स कर रही हूँ। ये क्या है? राइट मैथड है और ये क्या है? रॉन्ग मैथड है। ये रॉन्ग क्यों है बच्चों? क्योंकि जब हम एसिड, मतलब वाटर के अंदर एसिड डिसॉल्व करते हैं तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और लास्ट ही हमने
लेक्चर में देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें क्या हो एनर्जी इवॉल्व हो, एनर्जी क्या हो फ्री हो, जिसमें क्या हो एनर्जी इमिट हो निकले, है ना। जिस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है उन रिएक्शन को क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन में सिर्फ वाटर और एसिड का ऐड करना, वाटर और एसिड को ऐड करना क्या होती है, कैसी रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों की हो सकता है ये क्या हो ब्लास्ट कर दे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये क्या कर दे ब्लास्ट कर दे। इस वजह से हमेशा ही क्या करते हैं हम बीकर में पहले वाटर लेंगे उसके बाद ड्रॉप ड्रॉप करके, मतलब पहले हमने एक ड्रॉप डाली और फिर उसको अच्छे से मिक्स किया हिला करके बीकर को, या फिर एक छल से स्ट्रीट से मिक्स किया उसके बाद हम सेकंड ड्रॉप डालते हैं। इस तरीके से हमेशा ही क्या बनाना चाहिए एक्वा सॉल्यूशन बनाना चाहिए, ठीक है। अब बात करें हम ऐसे बेस की तो इनका टेस्ट हमेशा ही किसमें लेंगे इनके एक्वा सॉल्यूशन में लेंगे, इनके एक्वा सॉल्यूशन में इनका टेस्ट लेंगे, मीन्स वाटर के अंदर इनको डिजोल्व करेंगे और तब हम इनका क्या लेंगे टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब हमने बात तो कर ली क्या करता है कि एसिड को है जो चेंज कर दे किसको कलर को, किस कैसे कलर को ब्लू कलर के लिटमस पेपर में, किसमें रेड कलर के लिटमस पेपर में, या बेस कौन सा है बेस वो है जो क्या करे रेड कलर के लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर ले ब्लू कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर ले। सबसे पहला क्वेश्चन में यही उत्तर है लिटमस पेपर क्या है, ऐसा क्या है इसके अंदर कि जो ये क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर है हमारा एक इंडिकेटर, क्या है इंडिकेटर, इंडिकेटर मीन्स ऐसा सब्सटेंस ऐसा पदार्थ जो क्या कर दे हमें बताए इंडिकेट करे कि कौन सा सब्सटेंस क्या है एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, कौन सा सब्सटेंस क्या है इंडिकेटर है लिटमस पेपर हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स जो क्या कर इंडिकेट करे किसको एसिड और बेस को, इंडिकेट क्या करे एसिड और बेस को इंडिकेट करे वो क्या कहलाते हैं इंडिकेटर कहलाते हैं, ठीक है। इंडिकेटर क्या है तीन प्रकार के होते हैं, तीन थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचर ने हमें दिए हैं, नेचर ने हमें दिए हैं कुछ ऐसे हमारे घरों में भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं इंडिकेटर का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपकी कपड़ों पे क्या लग जाए दाग लग जाए किसी सब्जी का, जैसे ही आप उसके ऊपर सोप या फिर सर्फ रब करते हो क्या हो जाता है वो दाग जो है ना वो स्टेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑरेंज कलर या रेड सा कलर में चेंज हो जाता है। मीन्स पहले उस पर क्या लगी हुई थी टर्मरिक लगी हुई थी, हल्दी लगी हुई थी, और जैसे ही उसके ऊपर आपने साबुन को रब किया मीन्स कि साबुन क्या होती है साबुन है एक बेस, ठीक है। साबुन क्या है एक बेस है, और जैसे ही हमने बेस उसके ऊपर अप्लाई किया उस येलो कलर किसमें कन्वर्ट हो गया रेड ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया, रेड ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स उसने क्या बता दिया उस दाग में बता दिया कि जो लगाया जा रहा पदार्थ है जो सब्सटेंस आप उसके ऊपर अप्लाई करें वो सब्सटेंस कैसा है, वो सब्सटेंस बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो ऐसे ही सब्सटेंस जो क्या करते हैं मीडियम चेंज करने पे अपनी जो नेचर है वो चेंज कर ले, अपनी नेचर चेंज कर ले, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं। और ये इंडिकेटर अगर नेचर से हमें मिल रहे हैं तो हम क्या कहते हैं नेचुरल, और अगर किसी मैन मेड है मतलब किसी ह्यूमन बींग ने बनाई है तो हम कहेंगे सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर, मीन्स जो लेबोरेटरी में तैयार किए गए हों ऐसे इंडिकेटर। और ऐसे इंडिकेटर जो क्या करें मीडियम चेंज कर ले फिर अपनी स्मेल चेंज कर ले, अपनी स्मेल चेंज कर ले वो इंडिकेटर क्या कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कैसे इंडिकेटर कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मीन्स ऐसे इंडिकेटर जो मीडियम चेंज करने पे अपनी स्मेल चेंज कर। अब स्मेल कैसे, जैसे आपने देखा होगा ऑनियन की बहुत तेज स्मेल होती है, ऑनियन की स्मेल बहुत तेज होती है, आप लोग जानते हो उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है तो इस वजह से वो स्मेल देते हैं। लेकिन जैसे ही उस ऑनियन को मैं बेसिक मीडियम में डालूंगी ना उसकी स्मेल एकदम गायब हो जाती है, उसकी इतनी तेज स्मेल में क्या हो जाती है गायब हो जाती है। तो इट मीन्स ये कैसा इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके अलावा आपने देखा होगा लोंग है ना, क्लोव बोलते हैं हम जिसको, या नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में
कि लौंग, लौंग को भी अगर मैं जैसे ही बेसिक मीडियम में डिप करती हूँ उसकी स्मेल गायब हो जाती है। तो ये दोनों किसका एग्जांपल है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, मीन्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल है ऐसा इंडिकेटर जो क्या करते हैं अपनी क्या करते स्मेल गायब करते, स्मेल में चेंज लाए, गायब करना जरूरी नहीं है चेंज लाए, वो भी इंडिकेटर कैसा कहलाएगा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाएगा। नेचुरल जो नेचर ने दी दिए हैं, नेचुरल का एक एग्जाम्पल टर्मरिक हम लोग कर चुके हैं टर्मरिक, और इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल जो मैं बार बार बोल रही थी कि एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो लिटमस पेपर भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर क्या मतलब? ये क्या है? एक पर्पल कलर की डाई है, इससे मिली है ये लाइकेन नाम एक प्लांट से मिली है। लाइकेन किसका? हेलोफाइटा जो क्लास है उसका प्लांट होता है और उससे तैयार की जाती है। इसका नेचुरल कलर है पर्पल कलर, और जिसको हम अलग अलग अप्लाई करके हम क्या करते हैं एसिड और बेस का पता लगाते हैं। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो हमने क्या किए हैं लेबोरेटरी में तैयार किए हैं। इनमें से दो एग्जांपल जो फेमस एग्जांपल है जैसे फिनोफ्थैलिन खुद का कलर कैसा कलर होता है? पिंक कलर होता है। फिनोफ्थैलिन का कलर कैसा होता है? पिंक कलर होता है। और इसके अलावा सेकंड लेसन के साइड का मिथाइल ओरेंज ये पाउडर फॉर्म में आते हैं और इसका खुद का कलर भी कैसा होता है? मतलब हल्का ऑरेंज कलर का सा पाउडर होता है। और इसको जैसे ही हम क्या करते हैं मिथाइल ओरेंज को जैसे ही हम क्या करेंगे एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो इसका कलर रेड ऑरेंज कलर का, मतलब डार्क ऑरेंज कलर देता है ये। और जैसे ही मैं इसको बेसिक मीडियम में अप्लाई करती हूँ तो येलो कलर, बिल्कुल मस्टर्ड वाला येलो कलर क्या है ये देता है। इस तरीके से क्या होता है वो सब्सटेंस जो क्या करें मीडियम चेंज करने पर अपनी नेचर चेंज कर ले, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं। ये इंडिकेटर तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर, वो इंडिकेटर जो क्या करें नेचर ने हमें दिए हो वैसे इंडिकेटर क्या कहलाते हैं नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल था टर्मरिक लिटमस पेपर। सेकेंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो इंडिकेटर जो क्या करते हैं मीडियम चेंज कर लेते अपनी स्मेल चेंज करके, वो इंडिकेटर क्या कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल है ऑनियन क्लोव। थर्ड इंडिकेटर है सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर किसको कहते हैं? ऐसे इंडिकेटर जो क्या करते हैं अपना नेचर चेंज कर लें या अपना कलर चेंज कर लें, वो इंडिकेटर क्या सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर है जो क्या करते हैं जिनको लेबोरेटरी में तैयार किया गया या मेन मेड है ऐसे इंडिकेटर। एग्जाम्पल फिनोफ्थैलिन एंड मिथाइल ओरेंज। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि एसिड और बेस का मतलब रिएक्शन कैसे करते हैं। एसिड बेस का हमें पता चल गया। एसिड क्या कह रही हूँ मैं? ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करें। बेस मैंने क्या कहा? रेड कलर के लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करें? ब्लू कलर में कन्वर्ट करें। अब ये मतलब हम जानते हैं कि पूरे ही वर्ड के अंदर जो सब्सटेंस है जो एलिमेंट है हम लोग को तीन क्लास में क्लासीफाई किया है, मेटल नॉन मेटल और मेटल ऑक्स। तो ये एसिड बेस जो है इनके साथ कैसे रिएक्शन करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल के साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो एसिड को जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो हमेशा ही क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ हम क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। एसिड की रिएक्शन जब कभी भी मैं मेटल के साथ करवाती हूँ तो क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं। इसके साथ साथ हम कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिलती है जैसे सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या है? एक मेटल हम लोग जानते हैं सोडियम ऐसे मेटल है। मोस्टली मेटल क्या होती है? हार्ड नेचर की होती है। लेकिन ये कैसे मेटल है? ऐसे मेटल है जिसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इसको स्टोर किसके अंदर करते हैं? स्टोर हम करते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। क्योंकि ये कैसी नेचर की होती है?
ग्लास नेचर की होती है, इस वजह से इसको एयर के अंदर नहीं स्टोर करते हम, किसमें स्टोर करते हैं, कैरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। तो इसकी रिएक्शन ये हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब मैं किसके साथ करवा रही हूँ, जिंक के साथ करवा रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक है बेस, कैसा है, बेस है, क्या है, बेस। और इसके रिएक्शन जब मैं एक मेटल जिंक के साथ करवाती हूँ, ये क्या है, जिंक क्या है, एक मेटल है, मेटल के साथ करवा रही हूँ, इसके बेस की रिएक्शन तो क्या बनाता है, ये सोडियम जिंक Na2ZnO2 क्या बनाता है, सोडियम जिंक बनाता है। इसके साथ साथ कौन सी गैस निकलती है, सोडियम जिंक बनाता है, इसके साथ निकलती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम जिंक का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर लर्न करना, Na2ZnO2। ZnO2 क्या है, जिंक है, और सोडियम क्या है, Na, ठीक है। तो जब हम बेस की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, मेटल के साथ करवा रहे हैं, तो क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, क्या बना रहा है, सल्फर बना रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं किसी एसिड की एग्जांपल लूं, जैसे एसिड मैं देखती हूँ HCl, HCl की रिएक्शन जब मैं किसी मेटल, मेटल में सोडियम ले रही हूँ, सोडियम के साथ करवाती हूँ, तो क्या बनाता है, ये NaCl जो कि एक साल्ट है, इसके साथ साथ कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, चाहे मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊँ या फिर बेस के साथ करवाऊँ मेटल की रिएक्शन, तो कौन सी गैस निकल रही है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों, क्या है श्योर सब्सटेंस, श्योर सब्सटेंस जैसे कर्ड जो है वो हमें कोपर वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए, मीन्स खट्टे पदार्थ हमें तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए बेटा, क्योंकि अभी हमने क्या किया, श्योर कर्ड ना, कर्ड हम क्या कर रहे हैं, कर्ड क्या होता है, कैसे नेचर का होता है, खट्टी नेचर का होता है, कैसे नेचर का, श्योर नेचर का होता है, खट्टी नेचर का होता है। और इसके अंदर कैसे कौन सा एसिड प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऐसा लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कर्ड के अंदर। और जब आप इसको किसके अंदर रखोगे बेटा, मेटल के बने वैसे में आता है, इसको ऊपर से बने वैसे के अंदर जब आप रखोगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट होती है, और इवेपोरेट होगी जब गैस तो वो किसी मिक्स हो जाएगी, जो उसके अंदर फूड प्रेजेंट है उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, और फूड की नेचर कैसे नेचर हो जाएगी बच्चों, टॉक्सिक नेचर हो जाएगी, फूड की नेचर टॉक्सिक नेचर की हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस मिल चुकी होगी। इसीलिए हमें कभी भी श्योर सब्सटेंस जो है किसके अंदर नहीं रखनी चाहिए, कोई भी धातु का बना हुआ, चाहे कॉपर हो या किसी भी मेटल का बना हुआ, कोई भी वेसल है, कोई भी बर्तन है, उसके अंदर खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। अभी तो हमने किया मेटल और मेटल के साथ किसकी रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि मेटल एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम मेटल कार्बोनेट के साथ, अगर हम रिएक्शन करवाएं मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं किसकी, एसिड की, तो क्या होता है, जब हमने मेटल के साथ रिएक्शन करवाई तो हाइड्रोजन गैस निकली, मेटल के साथ जब हमने रिएक्शन करवाई तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, लेकिन मेटल के कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट, कार्बोनेट कौन सा होता है, CO3 CO3 -2, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनेट, मतलब मेटल के साथ मैं क्या जोड़ रही हूँ, कार्बोनेट ग्रुप जोड़ रही हूँ, और मेटल के साथ ही क्या जोड़ रही हूँ, बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट HCO3-, ये बाई कार्बोनेट। जब इन दो ग्रुप को मैं किसके साथ जोड़ रही हूँ बच्चों, मेटल के साथ जोड़ रही हूँ, तो क्या रिएक्शन होती है, देखो मैंने कहा ये कार्बोनेट है और ये बाई कार्बोनेट, ये दोनों भी आयन होते हैं, इनको जब हम मेटल के साथ किसी भी मेटल के साथ जोड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जोड़ा इसको सोडियम के साथ, तो किसके, जिस भी मेटल के साथ जोड़ेंगे उसी मेटल के क्या बन जाते हैं, कार्बोनेट बनते हैं या बाई कार्बोनेट बनते हैं, ठीक है। कार्बोनेट के साथ जोड़ा सोडियम को तो बना है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट की मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, एसिड HCl, HCl
को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवेपोरेट होती है। कौन सी गैस इवेपोरेट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम सीधी मेटल मतलब डायरेक्ट मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे, एसिड या बेस के साथ करवा रहे थे, तो इवेपोरेट हो रही थी हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं तो कौन सी गैस इवेपोरेट हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसके बाद अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों, किसके साथ? एसिड के साथ। मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो साल्ट बनता है साल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ भी कौन सी गैस इवेपोरेट हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवेपोरेट हो रही है। मेटल कार्बोनेट की और मेटल बाइकार्बोनेट की किसके साथ? एसिड के साथ। ठीक है, पहले हमने की किसकी रिएक्शन? एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ, तो वहाँ हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हुई थी। जब हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ले लेते हैं तो कौन सी गैस इवेपोरेट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवेपोरेट होती है। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने कल ही आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं? स्लैक लाइन कहते हैं। बताना मेरे को कि आपको नाम याद था इसका, क्या बोलते हैं? स्लैक लाइन। जब हम स्लैक लाइन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि ना उस सब्सटेंस का नाम बताइए जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सप्लाई की जाने पर या पास थ्रू करने पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो मेरे भी कलर का बन जाता है। उसके बाद अगर मैं उसके अंदर और ज़्यादा सप्लाई करूँ तो वो कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, वो वापस से क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है वो सॉल्यूशन। तो कौन सा सब्सटेंस है? वो सब्सटेंस है बच्चों ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देख रहे हो जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सप्लाई कर रही हूँ तो क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और कैल्शियम का कोई आयन मींस क्या है? या
हाइड्रोक्साइड है उस पेस्ट के अंदर, जिसको करने से हमारे दांत कभी खराब नहीं होंगे। रीजन क्या है बच्चों, जैसे ही हम कोई हम च्यूइंग करते हैं या चबाते हैं या खाते हैं, तो क्या होता है हमारे माउथ के अंदर स्लाइवा सीक्रेट होती है। स्लाइवा एसिडिक मीडियम क्रिएट करती है और हमारी माउथ के अंदर क्या होता है पीएच लेवल डाउन हो जाता है, पीएच लेवल हो जाता है 5.5 से कम। ठीक है, हमारे माउथ का पीएच क्या होता है, जैसे ही हम कोई फूड क्या कर रहे हैं खा रहे हैं, तो क्या होती है स्लाइवा सीक्रेट होती है और वो स्लाइवा क्या करती है हमारे माउथ की पीएच को कम कर देती है। और अगर रेगुलर ये पीएच मतलब कम पीएच हमारे माउथ में बनी रहे तो क्या होता है हमारा टूथ का जो इनेमल है वो टूटने लग जाता है। ठीक है, टूथ का इनेमल टूटने लग जाता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं पेस्ट करेंगे, उस पेस्ट के अंदर क्या होता है बेस, क्या होता है बच्चों बेस होता है उस पेस्ट के अंदर, क्या होता है बेस होता है और एसिडिक मीडियम हमारे माउथ का है और बेस उस पेस्ट के अंदर है, तो क्या होता है इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है और जो एसिडिक मीडियम हमारे माउथ के अंदर बना हुआ था वो क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों न्यूट्रल हो जाता है। इट मीन्स एसिड और बेस की रिएक्शन को मैं क्या बोलती हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलती हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स जब मैं एसिड और बेस की रिएक्शन करवाती हूँ, एसिड मैंने ले लिया HCl और बेस मैंने लिया है NaOH, जब मैं एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रही हूँ तो क्या बनता है, तो फॉर्मेशन होती है साल्ट की। एसिड मैंने लिया है HCl और बेस मैंने क्या लिया NaOH, जब मैं इन दोनों की रिएक्शन करवा रही हूँ तो इसका हाइड्रोजन इसके OH से रिएक्शन करके एक तो बना देता है वाटर मॉलिक्यूल और बाकी जो सब्सटेंस बचे मीन्स Na और Cl ये दोनों ऐड होकर के एक साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, NaCl NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक क्या है साल्ट है, कॉमन साल्ट है हमारा। सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। इस रिएक्शन को बच्चों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या करे जो मीडियम को भी न्यूट्रल कर दे, मीडियम को क्या कर दे न्यूट्रल कर दे, मीन्स ना तो मीडियम एसिडिक रहे और ना ही मीडियम क्या रहे बेसिक रहे, ना ही क्या रहे एसिडिक मीडियम रहे और ना ही मीडियम क्या रहे बेसिक रहे, ऐसे मीडियम को क्या कर देते हैं न्यूट्रल मीडियम कह देते हैं। ठीक है, तो जब मैं एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रही हूँ तो क्या हो जाता है दोनों की मीडियम न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों की मीडियम क्या हो जाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलूँगी। तो ये इस आपको पता चली और साथ में ये रीजन भी पता चला कि क्यों हम क्या करते हैं पेस्ट करते हैं। इसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन जो क्या होता है किसी भी एंडमे या फिर किसी भी मॉस्किटो के डंक में क्या होता है, इसके डंक में होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, क्या होता है फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड। आपने ग्रेनो फायर में सुना होगा कि क्या हो किसी मच्छर ने मुझे काट लिया, क्या लगा दो पेस्ट लगा दो, क्या हो जाएगा कोई भी स्वेलिंग नहीं आएगी। वो भी बेटा एक साइंटिफिक रीजन ही है, क्या रीजन है साइंटिफिक रीजन ही है। क्यों, मैंने अभी जस्ट बताया क्या होता है किसी भी मॉस्किटो के या एंट के डंक में क्या होता है फॉर्मिक एसिड होता है, मैथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। ये एसिड क्या होता है जब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी पेस्ट अप्लाई करूँगी, लास्ट में एग्जाम्पल हमने लिया है पेस्ट के अंदर क्या होता है किस कोई ना कोई बेस होता है। अब वो बेस जब मैं एसिड के ऊपर क्या करूँ अप्लाई करें मीन्स क्या हुआ न्यूट्रल हो गया, अब न्यूट्रल हो गया तो कोई भी किसी भी तरह की स्वेलिंग या गर्दन नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होती कोई भी तरह की स्वेलिंग नहीं आती। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं यूजेस है हमारे, क्या कह सकते हैं एप्लीकेशन है। इसके अलावा एक प्लांट है नेटल प्लांट, जिसके कहते हैं ना आपने सुना होगा कि जंगलों में पहले ऐसे क्या प्लांट पाए जाते थे जो क्या होते हैं जिसके टच करने पर खुजली शुरू हो जाती थी। ठीक है, उन्हीं प्लांट्स में से एक प्लांट है नेटल। नेटल के लीफ में क्या होता है मैथेनोइक एसिड होता है, तो जैसे ही वो टच करता है तो वो
क्या करते हैं, जैसे ही वो टच करेगा वो अपना मैथिनोइक एसिड जो है उसे बॉडी के ऊपर छोड़ देता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होने लगती है, कुछ भी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ यूजेस थे एसिड के, ठीक है, और जो क्या करते हैं, मतलब जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी कह सकते हैं ये एसिड बेस जो है हमें स्टडी करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ और एग्जांपल अगर आपने देखी है या कभी फील की है कुछ ऐसे कि इसके चेंज करने से ऐसा मीडियम चेंज होता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।